नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका वैद्य एडवेंचर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम और एसएल की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का। मतलब जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता हो एलसीएम और एसएल, वो भी आज से जानने लगेगा। क्योंकि मैं जो ये सीरीज चालू कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल लो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से, मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक जाएंगे हम। मतलब आज से पहले जो बच्चा इस चैप्टर को नहीं जानता रहा, वो भी जानेगा। और जो पहले से जानता रहा, वो ऐसे क्वेश्चन देख के बोला था मैं भी नहीं जानता था, पर वो भी जानने लगेगा। क्योंकि इसमें हम बिल्कुल करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक से। फिर हम धीरे से बढ़ेंगे आगे मॉडरेट लेवल में, फिर उसके आगे बढ़ेंगे हाई लेवल में। मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया पढ़ेंगे बिल्कुल। तो चलिए पहले देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ जो चालू कर रहे हैं, उसमें एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समवर्तक भी कहते हैं, है ना। तो देखिए, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? मतलब लोएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम। कॉमन मतलब सबके बीच में जो कॉमन है। मतलब हम तीन जन अगर खड़े हैं, तीनों ने अगर व्हाइट शर्ट पहनी है, और उससे बोला हमसे बोला जा रहा है कि भैया इन तीनों में कॉमन क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाइट शर्ट, क्योंकि मैंने भी व्हाइट पहनी, इसने भी पहनी और इसने भी पहनी। तो कॉमन का मतलब ये हो गया। मल्टीपल का मतलब चलिए देख लीजिए। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीपल में कौन कौन सबसे कम वाला कौन सा कॉमन नंबर है। तो ऐसे आपको नहीं समझ पे आया होगा तो आप क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और अच्छा समझ पे आएगा। जैसे मेरे को कोई भी दो नंबर दे दिए, जैसे दे दिया 15 और 30, और बोला है कि इसका हमें एलसीएम निकाल के दीजिए। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, एलसीएम निकाल। अब मतलब 15 और 30 में क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसका मतलब क्या है, 15 और 30 में ऐसा कौन सा सब लोएस्ट मतलब सबसे कम छोटा नंबर, कॉमन मतलब कॉमन, मतलब कि सबसे छोटा कॉमन नंबर इन दोनों में कौन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। मतलब देखिए, इसमें पहले अपन लिख दीजिए 15। एलसीएम निकालने की ये प्रोसेस है जो कि हम स्कूल से सीखते हुए आ रहे हैं, वैसे ही निकालेंगे अपन। सबसे पहले नंबर इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 2 होगा छोटा नंबर, तो 2 के टेबल में 15 आता है नहीं, लेकिन 30 आता है। तो 2 15 नहीं आता, तो 15 को 15 नहीं उतारे अपन। 30 को कैसे कटेगा, 2 15 जा 30 हो। अब आगे देखते हैं, अब 2 के टेबल से कुछ कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा नहीं, लेकिन अब देखते हैं 2 के टेबल से नहीं कट रहा, तो अब आगे बढ़ेंगे 3 के टेबल में आएंगे। तो 3 के टेबल से देखते हैं, 3 5 जा 15, ये 15 भी 3 5 क्या 15। अब ये आगे आ गया 5 और 5, 5 आता 3 के टेबल में नहीं आता, आगे वाले टेबल में बढ़े 4 के टेबल में, 4 के टेबल में आता ये नहीं आता। अब आगे बढ़ेंगे 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में आता है, तो जी हाँ ये 5 के टेबल में आता है, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। और ये हम जब तक करते रहेंगे जब तक आखिरी में जितने भी नंबर हो आखिरी में 1 1 1 ना बचे। तो आखिरी में देखिए 1 और 1 बच गया, मतलब ये इसका जो मल्टीपल रहेगा, ये इसका और ये इसका, तो वो आपका एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैंगे 2 × 3 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। जो 30 आपका आंसर आया है, इसका मतलब वो क्या है, एलसीएम है। मतलब 30 नंबर जो अपना आया है वो 15 के टेबल में भी आएगा और 30 के भी टेबल में भी आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, मेरे को अगर एलसीएम बोला, क्वेश्चन दिया कि 10, 20 और 30 का एलसीएम निकाल के दिखाइए, तो अगेन वही वैसे ही करेंगे। पहले 10 लिखेंगे, फिर 20, फिर 30, फिर ये लाइन खींचेंगे बढ़िया सी, फिर से अपन छोटे से टेबल से चालू कर देंगे। तो सबसे पहले छोटा टेबल क्या आता है, 2। क्या 10 आता है 2 के टेबल में? हाँ तो आता है, कितने 2 5 जा 10 कॉमा 20 आता है, तो 2 10 जा 20 कॉमा 30 आता है, तो 2 1 जा यहाँ गए, तो 2 5 जा 2 15 जा 30 हो गया। फिर से आगे देखते, फिर से 2 के टेबल से करके देखते, तो 5 आता है 2 के टेबल में नहीं आता, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। अब 2 10 आता है, तो 2 5 जा 10 15 आता नहीं आता, तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखते हैं 2 के टेबल से कुछ आता है, 2 के टेबल में कुछ आएगा, 5 आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, 15 आएगा नहीं, तो आप आगे अपन टेबल बढ़ा देंगे। 3 से चालू करेंगे, 3 के टेबल में 5 आता नहीं, तो 5 को लिख दिया एज इट इज, ये 5 आता नहीं आता है।
ये 50 जाता है 3 के टेबल में। हाँ तो 3 5 या 50। अब आगे फिर से लिखते हैं, अब 3 के टेबल में कुछ आएगा, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। 4 के टेबल में अब आगे आएंगे तो 4 के टेबल में 5 आता नहीं, तो 4 का टेबल भी नहीं होगा। अब और आगे बढ़ेंगे तो 5 का टेबल, तो 5 के टेबल में ही आता है। हाँ 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। नीचे देखे 1 1 1 आ गया, तो अपन मल्टीप्लाई को यहाँ पे रोक देंगे और जो इसका मल्टीप्लाई रहेगा वो हमारा एलसीएम रहेगा, मतलब आंसर रहेगा। मल्टीप्लाई करके देखते 2 into 2 into 3 into 5 equal to 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो 60 जो ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी। 60 जो है एलसीएम है, ऐसे मतलब सबसे छोटा नंबर 60 जो है आया हमारा, वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे वीडियो को प्रीवियस मतलब बैक कर लीजिए और फिर से स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ पे आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, कि एलसीएम का निकालना है 12 36 और 48। अब ये 3 नंबर थोड़े मैंने बड़े ले लिया हूँ, अब इसका एलसीएम देखते हैं अपन। वैसे ही सेम प्रोसेस, अब देखते हैं 2 के टेबल से क्या क्या जाएगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 16, मतलब 2 18 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब आगे बढ़ाते हैं, फिर 2 के टेबल से आएगा ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर आगे देखते हैं, 2 के टेबल से 3 नहीं जाएगा तो 3 को लिख दिए, 9 आता नहीं आता तो इसको एज इट इज लिख दिए, 2 6 जा 12। अब आगे देखते हैं, 2 के टेबल से आपके जाएगा तो 3 को एज इट इज लिख दिए, नहीं आएगा, 9 आएगा नहीं आएगा, 6 आएगा तो 2 3 जा 6। अब आगे देखते हैं, 2 के टेबल से अब कुछ नहीं जाएगा तो 3 का टेबल चालू करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए 2 वन आ गए लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया, मतलब आगे और चलेगा अपना ये। तो फिर से हम 3 का टेबल देखते हैं, तो 1 को एज इट इज उतार दिए, 3 1 जा, और 1 को एज इट इज, 3 में जब 1 आ गए मतलब जो इनका जो मल्टीप्लाई है वो इसका एलसीएम हो जाएगा क्वेश्चन 12 36 और 48 का। तो करके देखते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 into 3 3 जा 9, 1 4 4। देखिए आज अब आपको समझ पे आ गया होगा, आप बोलेंगे इतना फास्ट कराया है, तो आप इसको मतलब मद्दा करके देख सकते हैं और जो पिछला क्वेश्चन है उनको आप फिर से अगर देखेंगे तो आपको समझ पे आ जाएगा। देखिए अब हम क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा बदलते हैं, अब हमारा नया क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए 5 into 3 into 4 एंड और 4 into 5 into 7 का एलसीएम बोले निकालने को, अगर क्वेश्चन का पैटर्न ये रहे कि 5 3 4 4 5 7 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको, या तो आप देखिए वैसे निकाल सकते जैसे 5 3 जा 15, 15 into 4 कर लेंगे और जो भी नंबर आएगा एक नंबर मिलेगा, और फिर 4 5 जा 20, 20 into 7 कर लेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो हमें जब 2 नंबर मिल जाएंगे तो जैसे हम पुराने तरीके से कर रहे थे वैसे निकाल सकते हैं, और वैसे नहीं निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे 5 और 5 यहाँ है तो 5 को एक बार लिख लेंगे। अब 3 है क्या कॉमन इस साइड, नहीं है तो 3 को भी लिख लेंगे। 3 4 है कॉमन, जी हाँ 4 है भी है कॉमन, तो 4 जो अब आंसर जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा, मतलब 5 3 जा 15, 15 into 4 करेंगे तो क्या आएगा 60। अगर आपको देखिए ये मतलब शॉर्ट मेथड रही, अगर आप पहले ही जैसे करके दिखाएं तो 5 3 जैसे 5 3 जा 15, 15 into 4 करेंगे तो कितना होगा 60, मतलब इसको अगर ऐसे करें तो 15 into 4 60, और 4 5 जा 20, 20 into 7 करेंगे तो क्या आएगा 140। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालें वैसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा,
के टेबल से 2 2 30 जा 60 हो जाएगा। इसके इंक 2 मिनट में डाल लूं। टू थर्टी जा 60 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 15 जा 30 हो जाएगा, और 2 35 जा 70। और फिर 2 के टेबल से नहीं काटेगा, 3 के टेबल से काटेंगे अपन, 3 5 जा 15, ये काटेगा 3 के टेबल से नहीं काटेगा, 5। अब 5 के टेबल से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 और 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 7 जा 35। अगर हम करके देखें तो फोर ट्वेंटी पंद्रह साठ फोर फाइव ट्वेंटी। सॉरी, एक नंबर हमने इस पे नहीं लिखे रहे। देखिए, इसका आंसर अभी जो आ रहा है 420 आ रहा है यहाँ पे। और हमने देखिए यहाँ पे क्या नहीं चूक गया था हमारा, 5 हमने लिख लिए, कॉमन रहा तो एक बार 5 लिख लिए। अब देखें, 3 यहाँ, एक 3 है यहाँ, 3 है नहीं है, तो यहाँ पे हमने 3 भी लिख लिए। 4 देखते हैं तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 को भी लिख लिए। हमने 7 को नहीं लिखे थे, तो इंटू 7 और करेंगे, मतलब 60 में 7 का और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 700 7 6 42, तो हमारा 60 आंसर ना होके 420 आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ पे आया होगा। अगर नहीं समझ पे आता है तो इसको आप रिमाइंड करके बार बार देखिए, आपके माइंड में चढ़ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। अब थोड़ा और हम लेवल बढ़ाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है। 6 × 4 × 9 एंड 6 × 4 = 14, 6 × 4 × 14। अब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अब इसमें क्या बढ़ा दिए हैं, इसमें इसमें पावर ऐड कर दी है, 6 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4। अब आगे 5 4 5, क्वेश्चन ये हो गया कि मतलब अब इसमें पावर ऐड कर दी। बहुत सिंपल है ये, और भी सिंपल है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम। अगर क्वेश्चन बोला है कि इस क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट, अब इसमें हमें काम क्या करना है, उल्टा कर देंगे, लोवेस्ट की जगह हाईएस्ट वाला देखेंगे। सबसे पहले कॉमन चीज इसमें देख लेते हैं, हमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है। सबसे पहले 6 कॉमन है, तो अपन ने लिख दिया 6 × 4, यहाँ कॉमन है 4, यहाँ कॉमन है, हमने लिख दिए 4 यहाँ कॉमन, इंटू यहाँ 9 का 9 है, यहाँ 9 है नहीं है, तो 9 को यहाँ लिख लिए, इंटू 9, यहाँ 9 नहीं था, अब यहाँ पे क्या बचा है, 14 और बचा है, तो इंटू 14। बस आपका ये आंसर आ गया, मतलब इसका जो एलसीएम है ये आ गया। बस थोड़ा सा इसमें और ऐड क्या करना वो देख ले लेंगे। मैंने जैसे बताया कि एलसीएम निकालना है तो हम हाईएस्ट चीज देखेंगे, मतलब 6 जो कॉमन था इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे। 6 में पावर 2 और 6 की पावर 5, दोनों में बड़ी पावर कौन सी, ये है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 4 की पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 की पावर 4 यहाँ है, 3 और 4 में बड़ा कौन, 4, यहाँ लिख दिए 4। 9 की पावर देखेंगे, 9 की पावर यहाँ 4 है, 9 यहाँ कॉमन है, तो 9 की पावर 4 का 9 की पावर 4 लिख दिया अपन। अब यहाँ 14 देखें, 14 की पावर 5 है, तो 14 की पावर 5 लिख दिया, और ये हमारा हो गया आंसर। मतलब क्वेश्चन जो जितने टिपिकल रहेंगे उनका आंसर निकालना और भी इजी रहेगा, ये आपको समझ पे आ गया होगा। एक चीज आप बताइए, अगर मैं बोलूं 5 की पावर 4 बड़ी है कि 5 की पावर -4 बड़ी है, तो आपको मैं बता दूं, जो माइनस जिसके आगे लग जाता है वो छोटा हो जाता है। तो इन दोनों में बड़ा अगर मैं बोलूं तो 5 की पावर 4 बड़ा है, और 5 की पावर -4 जो है वो छोटे नंबर कहलाता है। अब मैं अगर मैं अब बोलूं कि 5 की पावर -4 और 5 की पावर -5, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो जब माइनस लग जाता है
तो उल्टा हो जाता है। मतलब इन दोनों में अगर मैं बड़ा बोलूँ तो 5 की पावर -4 है जो बड़ा नंबर है, और 5 की पावर -5 छोटा है। अगर मैं फिर से अगर बोलूँ जैसे 4 की पावर -3 और 4 की पावर -12, इन दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है? तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो मैं बोलूंगा ये वाला नंबर जो है बड़ा है, 4 की पावर -3 बड़ा है, 4 की पावर -12 छोटा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस रहेगा। अब एक कॉपी पेन ले, कॉपी पेन बढ़िया लिखिए और नोट्स बना लीजिए, तो क्वेश्चन आपको मदद भी करेंगे। पेपर वगैरह है तो उसका बढ़िया रिवीजन कर लेंगे, तो आपको याद भी रहेंगे। अब एक क्वेश्चन है, बस 6 × 4 × 8 एंड 6 × 8, 6 × 8, तो 6 की पावर -5, 4 की पावर -6, 8 की पावर 9, 6 की पावर -2, 8 की पावर 4। अगर फिर से हम इनका क्या निकालना हैगा, एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? वैसे ही सिंपल सा, सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ 6 कॉमन, यहाँ 6 कॉमन, तो 6 को अपन ने लिख दिए, इनटू यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है तो यहाँ 4 लिख दिए, इनटू यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, तो 8 को एक बार लिख देंगे। आगे कुछ है? कुछ भी नहीं है, बस ये है। अब निकालना हमें एलसीएम है, तो सबसे ज्यादा बड़ी वाली पावर देखेंगे। तो 6 क्या है अपने पास? 2 6 है, एक ये 6 है और एक ये 6 है। तो 6 की पावर -5 बड़ी है कि 6 की पावर -2 बड़ी है? तो मैं कहूँगा 6 की पावर जो -2 है वो बड़ी है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया रहा। अब 4 की पावर देखेंगे, 4 की पावर 4 अकेला है, तो इसको सिर्फ अकेले लिख देंगे -6। 8 देखेंगे, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 9 बड़ा है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया इन दो नंबर का। देखिए अब जो एलसीएम का मैंने जो बेसिक पार्ट था वो मैंने बिल्कुल बता दिया है आपको, और इसके आगे भी आपको बहुत, अभी जाएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब एलसीएम के बाद हम जो है एचसीएफ पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो है आपका, कल तक आ जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल में। और अपन एक बात आपको बता दूं कि आप घर पे रहिए, क्योंकि बाहर हालत बहुत ही खराब है, और अगर आपको बाहर जाना पड़ भी रहा है तो बहुत ही, मतलब बहुत जरूरी काम है, तभी आप बाहर जाइए। डबल डबल मास्क लगाइए, बढ़िया सैनिटाइज करते रहिए। बाहर जाइए, सामान लीजिए, पहले सैनिटाइज कीजिए, सामान लेने के बाद फिर करिए। आप घर पे रहिए, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे। अगर आप कोई काम के लिए आज बाहर जाते हैं, मान लो कुछ अगर हो गया, तो मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है आज, जो जिन जिनको हो रहा है उनसे आप पूछिए। सो प्लीज घर में रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जय हिंद।